Your derailment guide. Your derailment guide. Your derailment guide. Your derailment guide. Hello viewers. मैं कुछ एक्सीडेंट की फोटोग्राफ्स शेयर करूंगा। ये एक्सीडेंट आई हैड पर्सनली अटेंडेड। ये एक अच्छी खासी ट्रेन विच वॉज अ क्लोज्ड सर्किट रेक एंड वाइल पासिंग थ्रू निजामुद्दीन इट हैड derailed in a very serious way, and this was the nature of derailment, jisme one can very well see the derailed position of the wagons, capsized wagons, uncoupled wagons after the accident. Total, wheels coming out of the trolleys, wagons emptying themselves on its own after capsizing, and trolleys coming out, wagons just overriding these run out wheels and trolleys from the wagons. ये एक्सीडेंट अटेंड किया हमने, वी कुड गेट थ्रू सम लीड्स इन एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स इन द वॉगन्स। तो मुझे आदेश हुआ कि एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें पीवी इंजीनियर्स कैन गेट एन आइडिया कि अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स फॉलोड टू गेट अप टू द फाइनल मेजरमेंट्स, कोरिलेटिंग द मेजरमेंट्स विद द परमिसिबल लिमिट्स गिवन एंड अराइविंग एट अ एक्सेप्टेबल कंक्लूजन लीडिंग टू द कॉज ऑफ डिरेलमेंट। तो ऐसा कोई मेरे पास जादू की छड़ी बोल करके नहीं है। जो माई एंगल ऑफ अटैक होता है ऑन सच एक्सीडेंट्स एंड हाउ डू आई अप्रोच टूवर्ड्स फैक्ट्स लीडिंग टू द डिरेलमेंट, मैं उसी को ही थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको इससे कुछ क्लूज मिल जाए सो दैट आप भी उसी पाथवे में चल करके यू ऑल्सो गेट अप टू दैट एक्सटेंट ऑफ डायग्नोस्टिक अप्रोच। तो जिस तरह से मैंने इस एक्सीडेंट में जा करके क्लूज तक पहुँचा वही मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी अगर चाहो तो उस लाइन में, उस एंगल में सोच करके जा करके वहां तक आराम से पहुंच सकते हो। गुरुमंत्र इसमें यह है कि जो गाड़ी इंजन से पहले गिरी हो, एक या दो गाड़ी, उसको थॉरोली एनालाइज करें, मेजर करें। सर्वप्रथम हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करेगा, आपकी पल्स लेगा और फिर आपकी छाती के चारों तरफ स्टेथोस्कोप घुमाएगा, फिर आपका बीपी चेक करेगा।
ये फिजिकल दो चार आइटम जो चेक करते हैं डॉक्टर साहब, ट्रैक के डॉक्टर क्या करेंगे, गाड़ी जैसे री रेल होती है प्रथम उसका बफर हाइट लेंगे, फिर उसकी लोडेड कंडीशन में बफर हाइट एंड लोडेड कंडीशन में स्प्रिंग की हाइट, डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड कहाँ होगी, ये गिरी हुई गाड़ी है बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ये वाली इसको हम डिफ्लेक्टेड हाइट बोलते हैं। ठीक, ये इसकी पिवट है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी वॉल की थिकनेस 19 mm होती है, ये जो कॉलर है ना, अब आप देख लेना कितनी है, मैंने 10 mm तक भी पाई है, आई हैव रिकॉर्डेड अप टू 10 mm, 11 mm, बहुत वर्न आउट होती है, हम लोग देखते नहीं हैं इसलिए नहीं पता चलता है, और बहुत से हमारे ऐसे भाई हैं जिनको इवन कंपोनेंट्स के बारे में भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसी जो एक्सीडेंट साइट होती है ना, ये पूरा एक डेड बॉडी टाइप की जो पोस्टमार्टम होती है, वहाँ से सारे इसके पुर्जे पुर्जे देख सकते हैं, तो जिनके सेक्शन में नहीं भी एक्सीडेंट होता उनको भी यहाँ जा करके कम से कम एक बार देख लेना होता है। तो हमने जो अप्रोच लगाई थी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, आशा करता हूं आपके लिए ये यूजफुल रहेगी। अब ऐसे एक्सीडेंट्स में जरूर दिमाग पे असर तो पड़ता है, दिमाग की घड़ियों की सुइयां भी घूमने लग जाती हैं, व्हाट टू डू इन सच केसेस, बिकॉज इतनी वॉगन्स जंबल हो चुकी हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं, कौन किसका व्हील, कौन किसका स्प्रिंग पता नहीं चलता है, तो ऐसे केसेस में हमको बड़ी ही सहनशीलता से प्रोसीड करना है। आइए, ये जो मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई हैं ये हजरत निजामुद्दीन डिरेलमेंट की हैं, और मैं तकरीबन नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहुंचा था, तो मैं कैसे कैसे इस एक्सीडेंट से टूवर्ड्स यू नो गेटिंग द मेजरमेंट्स एंड क्लूज मैं कैसे पहुंचा, आई विल जस्ट शेयर विद यू। अब इसमें करना क्या होता है, हम जैसे ही एक्सीडेंट साइट पे पहुंचते तो हमें ज़रूरत होती है देखने की कि ट्रेन के पर्टिकुलर्स में कितने लोड्स थे, और जो गाड़ी गिरी या कैप्साइज हुई है व्हाट्स इट पोजीशन इन रिलेशन टू द लोकोमोटिव, बिकॉज इन रिलेशन टू लोकोमोटिव ओनली वी रिकॉर्ड द पोजीशन ऑफ द डिरेल्ड वॉगन्स और द कोचेस, देन वी नीड टू हैव अ कॉपी ऑफ बीपीसी, ऑल जी डी आर्स एट्सेट्रा एंड ट्रेन रिलेटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद द गार्ड। तो इसमें होता है क्या, ये जो पर्टिकुलर ट्रेन थी दिस वॉज क्लोज सर्किट ट्रेन, क्लोज सर्किट में क्या होता है, इट हैज़ गॉट अ फिक्स्ड बी पी सी फॉर अ लेंथ ऑफ आई मीन टोटल किलोमीटर्स ऑफ 10,000 एंड देन 30 days प्लस माइनस 5 days, ये इसकी वैलिडिटी इस तरह से होती है, ये बढ़ाई गई है, इनिशियली इट वॉज 7,500 किलोमीटर्स, तो हमें वो बीपीसी चेक करनी पड़ती है, अगर मान लीजिए दिन के हिसाब से पूरे नहीं हुए, वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हुई, देन वी नीड टू चेक इट फ्रॉम द फॉयस। अब क्या है कि ये कितने किलोमीटर इस पर्टिकुलर रेक ने रन किए हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कभी कभी होता है कि किलोमीटर ज़्यादा रन कर लिए एंड आपकी जो वैलिडिटी है दैट स्टिल हैज़ टाइम पीरियड बैलेंस, तो अपने को उसके किलोमीटर अर्न फॉय से लेने। नाउ दीज क्लोज सर्किट रेक्स, दीज आर नॉमिनेटेड रेक्स, ये
उसी सर्किट में ये इनका मूवमेंट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वो बीच में लोडिंग होती है एंड हार्डली देर इज एनी चेक अनलेस देर आर सर्टन स्टिपुलेशंस। अगर इसमें रेक में फोर से ज़्यादा यूनिट कहीं काटे जोड़े जाते हैं देन दैट बीपीसी बिकम्स इनवैलिड। तो इस तरह से इसकी सारी डिटेल्स जो है मैं अभी इसमें बताऊंगा, तो इट विल बी ए लेंथी प्रोसेस। तो जस्ट आई वॉन्टेड टू मैंशन हियर कि इसकी बीपीसी जो इस रेक की पर्टिकुलरली थी, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बीपीसी, प्रीमियर होती है, उसके बाद एंड टू एंड होती है, एंड देन दिस वॉज ए क्लोज सर्किट जिसकी एनहेंस्ड की हुई है वैलिडिटी फॉर द पर्पज ऑफ लोडिंग एंड रीलोडिंग। उसके बाद अपने को गार्ड के पास आरआर होता है, तो आरआर भी अगर है तो दैट पर्टिकुलर इज टू बी टेकन, उसमें हमें लोडिंग वगैरह का पता चल जाता है। ओके, देन डिरेल्ड व्हीकल्स के इंडिविजुअल नंबर्स, डेट ऑफ आरओएच, रिटर्न डेट, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ कैस्नप ट्रॉली। तो कैस्नप ट्रॉली में क्या होता है कि देर आर 5, 6, 7 टाइप्स ऑफ कैस्नप, जिसमें ये एचएस है, 22W है, 22WR है, 22WM है, एनएल है, एनएलबी है, एनएलसी है, एचएस है। सो दीज आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो पैरामीटर्स एंड द सस्पेंशन सिस्टम। सो विच टाइप ऑफ दिस ट्रॉली इज ऑफ द डिरेल्ड वॉगन, दैट हैज टू बी noted down for the purpose of verifying the suspension system and the trolley clearances, which are different for different type of trolleys. And then we have to make out a sketch indicating relevant points, जैसे कि POM कहाँ पे है, POD कहाँ पे है, और अगर POM नहीं है तो we shouldn't be you know confused with, कभी कभी rail table पे drag marks होते हैं, so we shouldn't be confused with those. और इट शुड बी अ वेरी क्लियर मेंशन ऑफ पीओडी एंड पीओएम। उसके बाद हम आ जाएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि उसके जो पार्ट्स हैं दीज गेट ड्रॉप आउट फ्रॉम द ट्रॉलीज, जैसे स्प्रिंग्स निकल गए या एडॉप्टर निकल गए, तो इस तरह से जो व्हील सेट भी कभी कभी बाहर आ जाते हैं जैसा हमने पिक्चर्स में देखा है। सो वी हैव टू मेक आउट ऑल रिकॉर्ड्स, और ये मैंने जैसे कि आगे भी बताया है कि इसके पर्टिकुलर्स होते हैं तो हमें बड़े ध्यान से देखने पड़ते हैं। और ये जो कप है, कप के अंदर में पीयू होते हैं, पीयू रिंग्स बोलते हैं फॉर साइड बेरल, सो दीज आर थ्री रिंग्स। इसकी हाइट हम लोग तीनों की इकट्ठे लेकर के उसको देते हैं, एंड देन दिस इज पिवट, सेंटर पिवट है ये, इसको हम सेंटर पिवट बोलते हैं। तो सेंटर पिवट की वॉल थिकनेस होती है, इसको देखने से पता चल जाता है कि इज इट वोर्न आउट और रिसर्विसेबल। तो दीज आर वेरी वेरी वाइटल इंपॉर्टेंट। इसको हम जो है ये लाल वाले पोर्शन को एडॉप्टर बोलते हैं। ओके, एंड इसके बाद में ये वाला जो है ये बोल्स्टर है, एंड देन दीज आर द स्प्रिंग्स, सस्पेंशन स्प्रिंग्स हैं, और इसके ऊपर में एक इलास्टोमेरिक पैड रहता है, वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। सो वी हैव टू नोट ऑल दीज कंडीशंस, ऑल दीज पॉइंट्स, अगर कोई बाहर में गिरा हुआ है, सो एवरी पार्ट शुड बी इंडिकेटेड इन द स्केच, एंड द एक्सीडेंट स्केच शुड बी सो ब्यूटिफुली मेड सो दैट इट गिव्स यू द क्लियर आइडिया ऑफ द साइट, इट रेप्लीकेट्स द साइट इटसेल्फ। जब हम उसको देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें उसमें पता हो जानी चाहिए, दिख जानी चाहिए। तो ये था अब तक का, मतलब एक्सीडेंट साइट में पहुंच करके जो हमारा जो नोटिंग वोटिंग करना है या क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो हमने ले लेना है। अब हमारा मुद्दा ये होता है कि हमने सारा ले दिया, रिस्टोरेशन वगैरह होगी, जो भी हो गया, अब आ गया नेक्स्ट पार्ट हमारा। हम उसी दिन क्या किए थे, जैसे साइट में पहुंचे तो जो थी वहाँ पे गाड़ियाँ, हमने उनको देखने के बाद में जो आगे रीरेल हुई थी हम उनकी तरफ गए। वो शकुरु बस्ती में प्लेस्ड थी, एंड देन हमने उसको जैसे ही वेरी क्लोजली एग्जामिन किया तो कुछ कुछ यूं दिखने को मिला कि दीज वर ब्रोकन कॉइल्स विच वी हैड फाउंड। तो अगर ब्रोकन कॉइल आपको मिल जाती है तो ये देखिए, अब इसकी अगर गैपिंग भी हम देखते हैं तो ये मतलब इसकी गैपिंग कम है, ऊपर में ज़्यादा है, ये जो गैपिंग दिख रही है ना।
So this also gives a fair indication that the suspension system is more or less gone. Then we had another springs. ये देखिए पूरा ही separate होके पड़ा हुआ है. And when we cross checked it, it was a very very old broken. It was not an after effect of derailment. So इस तरह से हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इसमें प्रॉब्लम है. अब इसको हमको लिंक करना होता है रूल से. जो रूल क्या कहता है ऐसी कंडीशन अगर मिलती है, आइए उसको भी हम आगे आपको दिखाते हैं. फिर हम क्या करते हैं, ये इस तरह से जो ये स्प्रिंग्स है ना, इनको हम लोग हिला हिला के देखते हैं. क्योंकि ये सिस्टम अगर आपका बैठा हो तो वी डू हैव लूज स्प्रिंग्स. आई हैव मेड मेनी वीडियोस जिसमें मैंने ये दिखाए हैं कि इनर स्प्रिंग जो हैं वो मतलब हाथ से ही हिलते हैं. और इसमें हमने क्या दिखाने की कोशिश की है, यू नो, अब ये देखिए ये जो एक इसका इलास्टोमेरिक पैड है ये पूरा क्रश हो चुका है. और इधर में देखिए ये भी एकदम क्रश हो चुका है. और इसकी जो थिकनेस होती है, दिस थिकनेस इज 42 के नीचे, इसको हम कंडम कर देते हैं. तो हमारा एक्सीडेंट मैनुअल में ना बड़ा एक ख़राब चीज़ दिया गया है कि कंडीशन. अरे कंडीशन क्या होती है, व्हेन इट हैज़ गॉट अ कंडमनेशन थिकनेस तो वी विल रिकॉर्ड इट. तो कभी भी वो बोले कंडीशन ओके, बोले नॉट ओके. बोले क्यों नहीं नॉट ओके भाई, आपने हमको हाइट लेके दो. अगर हाइट लेके देते हैं तो ठीक है, नहीं हाइट लेके देते हैं तो हम नहीं मानते इसको. अब यहाँ में देखिए ये जो है ऑलरेडी मतलब इट हैज़ वेरी बैडली क्रश्ड. और ये देखने से ही लगता है कि आज का नहीं है. दीज आर ऑल्ड होल, लॉन्ग लॉन्ग क्रैक्स इन बोथ साइड, हियर ऑल्सो एज वेल एज हियर ऑल्सो. सो दिस इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज ए शॉक एब्जॉर्बर. ठीक है, सो यहाँ तक हम पहुँचे, देख लिया कि इसमें अच्छा खासा मटेरियल है. व्हाट वी विल गेट, और हमने इसमें विजुअली वी फाउंड स्प्रिंग्स आर ब्रोकन, उनकी मतलब कॉइल्स की हालत ख़राब है, अंदर में स्प्रिंग हाथ से नाच रहे हैं, इसके इलास्टोमेरिक पैड क्रश हो चुके हैं. मोर ओवर दिस इज ए क्लोज्ड सर्किट रेक, जो एक बार इन्होंने सर्टिफाई कर दिया फिर बीच में कोई ना देखे इसको, फिर ये चलता रहता अपना 10,000 जब तक पूरे नहीं होते या 35 दिन पूरे नहीं कर लेता. ये एक अनाथ बाबू की तरह ये रेक घूमता रहता है, अनलोड होता है, रीलोड होता है, बैकलोड होता है, GDR होता है, और ना गार्ड ना ड्राइवर कोई ढंग से इन चीज़ों को नहीं देखते हैं. और व्यूअर्स, आई वुड लाइक टू वेरी स्पेसिफिकली टेल यू, ये कहां लिखा है कि हम लोडेड कंडीशन में मेजरमेंट नहीं ले सकते, कहीं नहीं लिखा है. वहां लिखा है कॉलम 50 में कि आफ्टर रीरेलमेंट ऑन अनकेंटेड ट्रैक. अब ये अनकेंटेड ट्रैक से सारे बड़े कंफ्यूज रहते हैं. कैंट क्या होता है, सुपर एलिवेशन, मतलब ये अगर कर्व पे गाड़ी है री रेल की हुई तो वहां नहीं लेना है, स्ट्रेट ट्रैक पे लेना है, दैट्स ऑल. ब्रॉड लाइन, ब्रॉड वे में अगर इसको समझें तो उसका मीनिंग ये है अनकेंटेड ट्रैक का, कि कर्व पे नहीं लेते हम, क्योंकि इट इज ऊपर एलिवेटेड, राइट. और इसका कोई ये नहीं है 0-0 लेवल है, ये लेवल है, वो नॉर्मल स्ट्रेट ट्रैक पे उसमें लेनी है. एंड बाय कैलकुलेशन आल्सो वी कैन सी कि अगर 8-10 mm का फर्क भी आता है तो सेंटर जब हम हाइट लेते हैं तो उसमें कितना वेरिएशन होता है. इट्स नथिंग जो कि कैलकुलेट या वेरीफाई नहीं हो सकती. आइए अब हम आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाते हैं. ये यहाँ में देखिए ये जो है हमने इसका लोडेड कंडीशन में बफर हाइट लिया. ओके, ये 995 आया, ये 1000 आ गया, यहाँ में 1025 आ गया, यहाँ में 1026 आ गया. हमारे लिए तो ये ट्रम्प कार्ड है. देखिए लो बफर हाइट क्या होता है, लो बफर हाइट जहाँ आपकी ये 995 आ गई ना, तो दिस फॉल्स एट कंडमेशन. ओके, कंडमेशन लिमिट में जैसे आ गया तो इसके रूल्स भी मैं आपको सारे दिखा देता हूँ. अब हमने जब इसकी जो पीछे हमने स्प्रिंग देखा था ना टूटा हुआ, दैट फॉल्स अंडर रिजेक्शन, बोगी सस्पेंशन डिफेक्ट में आता है. एनी कॉइल्ड बेयरिंग स्प्रिंग क्रैक ब्रोकन शिफ्टेड,
राइट। अब आप आ जाओ इसमें, बफर हाइट के बारे में बोलता है ये रूल 4.5.2 इन्फ्रिंजमेंट टू रूल 2.13.1। नाउ व्हाट इज 2.13.1? ये सीबीसी हाइट्स इन ब्रॉडगेज स्टॉक शैल बी विद इन द लिमिट्स शोन बिलो, एमटी में 1105, लोडेड में 1030 और मिनिमम उसकी जो है 1090 होनी चाहिए। मिनिमम मतलब नॉर्मल कंडीशन में, जैसे लोड नहीं है। ओके तो हमें यहाँ कितनी मिली? यहाँ मिली थी हमको 995, 1000, 1025, 1026। सो दिस पर्टिकुलर वॉगन फॉल्स एट रिजेक्शन लिमिट सीधे, नथिंग डूइंग। अब ये चैप्टर फोर क्या बोलता है ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। नाउ चैप्टर फोर पर्टेन्स टू रिजेक्शंस। तो ये रिजेक्शन रूल है फॉर ब्रॉडगेज गुड स्टॉक। अब इनको आपने ध्यान से रट लेना है, यू नीड टू रीड and understand very very minutely and carefully. What does it say? From workshop, stock must not be allowed with any rejectable defects. The stock must be turned out after complete repairs in accordance with the rules laid down in chapter 2 and 3. The permissible wear and clearance on different components shall conform to the limits and tolerances specified for workshop. And then 4.2, from sick lines, stock must not be allowed with rejectable defects. Okay. Rules laid in down chapter 2 and 3. So, the main iski jo crux ka na is sare chapter 4 ki usme ye hai, notwithstanding any provisions in the rule, the rolling stock must not be allowed to run if in opinion of CNW supervisor, it is in such a condition as to cause an accident. तो भाई टूटे स्प्रिंग है, लो बफर हाइट है और सेपरेटेड स्प्रिंग बोल लीजिए, आपने इतना लोड उसमें कर रखा है जो कि स्प्रिंग अपनी रिक्वायर्ड हाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सो दीज आर ऑल रिजेक्टेबल डिफेक्ट्स। सो फर्दर इट सेज ब्रॉडगेज goods stock with any of the defects listed below shall not be allowed in service. और जिसमें S लिख देते हैं so that guidance के लिए कि ये stock गाड़ी में नहीं लगना चाहिए। तो हमारे पास अब तक जो मैंने आपको defect दिखाए हैं in relation to IRCA chapter 4, its relevant paragraphs and references to chapter 2 and 3, ये wagon रिजेक्टेबल डिफेक्ट कैरी कर रही थी और इसको ट्रेन कॉम्पोजिशन में नहीं लगना चाहिए था। तो हमने क्या किया फिर, इस तरह से इसका जो है निचोड़ बना करके लगाया गया इसमें, और इसमें जितने भी देखिए सारे रूल्स जो थे, जो भी इसकी कंडीशन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम की थी वो ब्रोकन वगैरह थी, कितने टूटे हुए थे, उसकी लेटरल क्लियरेंसेस ऑल लाई आउट ऑफ द टॉलरेंसेज, लेटरल क्लियरेंसेज भी उसकी एक्सेसिव डाल रखी थी। ओके सीबीसी हाइट जो है उसकी मतलब काफ़ी कम आ रही थी। सो ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, दिस वॉज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डिफेक्टिव सस्पेंशन सिस्टम एंड इट्स आउट ऑफ टॉलरेंसेस ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। ओके अब फर्दर देखिए, आपको मैं और एक खास चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है आपकी ट्रॉली जो भी थी इसकी, सो दीज वर एचएस ट्रॉलीज। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो डिफ्लेक्टेड हाइट ऑफ स्प्रिंग है एनएलबी और आपकी एचएस की, इसकी डिफरेंट हाइट होती है। डिफ्लेक्टेड हाइट मतलब कि जो खाली गाड़ी में अंडर टेयर वेट जो उसकी बोलस्टर में स्प्रिंग हाइट आती है वो 217 होती है आपकी एनएलबी की और 211 होती है एचएस की। सो आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग ऑफ माय ओन, आई हैव कलेक्टेड द ड्राइंग्स, वो भी मैं डिस्प्ले में दूंगा आपको। सो ये 217 के अगेंस्ट में टू जो फ्री हाइट है, देखिए 267 इसकी हाइट होती नहीं है,
इसकी 253 हाइट होती है। तो जो भी हाइट्स हम लोगों ने दी थी इस टाइप की ट्रॉली के लिए जो भी थी इसकी, तो ये उसकी मतलब मैच नहीं कर रही, 267 तो कोई हाइट है नहीं। तो इस तरह के स्प्रिंग्स उसमें लगे हुए थे। एंड द फर्दर थिंग इज कि इसमें जो ग्रुपिंग हम करते हैं ना उसमें जो है सेम टाइप के होने चाहिए, जबकि यहाँ में देखिए आपका जो है काफ़ी फर्क आ रहा है, 261, 267 भी आ रहा है, 259 से 264 आ रहा है, तो ये 5 mm 4 mm करके डिफरेंस आ रहा है, विच इज़ नॉर्मली नॉट प्रिस्क्राइब, 3 mm तक ही इसमें अलाउड रहता है। सो एवरीवेयर यू नो वट एवर वी हैव रिकॉर्डेड शोन इन रेड फॉन्ट कलर, these are all out of the tolerances what we had recorded. ये success mantra क्या है? Success mantra कुछ नहीं, हम गए और हमने कुछ नहीं किया, हम इसको देख करके बिल्कुल नहीं घबराए और सबको बोला कुछ नहीं है, अभी तो जांच शुरू हुई है। फिर गए जब, हमारा फर्स्ट अटैक ऑलवेज होता है ये जो गाड़ी रीरेल कर ली है, आप सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द बफर हाइट, थिंक डीपली व्हाट इज बफर हाइट। बफर हाइट इज डिपेंडेंट ऑन थ्री थिंग्स, व्हील डायमीटर, स्प्रिंग एंड पेलोड और टेयर लोड। व्हील डायमीटर ठीक है चेक करिए डिफ्लेक्टेड हाइट, डिफ्लेक्टेड हाइट अगर ठीक है चेक करिए लोड, अगर डिफ्लेक्शन ठीक है लोड ठीक है तो फिर तो बफर हाइट आपकी नॉर्मल रेंज में मिलनी ही मिलनी है। सो फर्स्ट मंत्र, आप गाड़ी का बफर हाइट ले और डिफ्लेक्टेड हाइट ले, क्योंकि दैट विल स्पीक अबाउट द बिहेवियर ऑफ द स्प्रिंग्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, ईएम पैड वगैरह को चेक करना होता है, ब्रोकन स्प्रिंग्स को चेक करना होता है, और आपके कॉइल्स को मतलब जब हम इसको अनलोड कर लेते हैं उसको देखना होता है कि कोई मतलब मैनुअली पुश करने से हिल तो नहीं रहा, इधर समथिंग इज रैटलिंग एट यू नो टेयर वेट विदाउट एनी लोड इन द वॉगन, उसको हमको चेक करना होता है। सो जैसे ही उसकी ग्रुपिंग अगर मोर देन 3 mm रेंज में होंगी तो कोई ना कोई आपको स्प्रिंग मिल जाएगा जो हाथ से हिलता होगा। ईएम पैड भी चेक कर लेना, क्रश तो नहीं है, उसकी थिकनेस 42 mm में कंडम कर देते हैं हम इसको, दैट इज ऑफ नो यूज, इट हैज गॉट ए स्पेसिफिक थिकनेस which is required। और उसके बाद हम जो आज आपको शेयर कर रहे हैं बहुत जगह में ना, देर इज ए रेजिस्टेंस, इन्हें नहीं हम तो अनलोड करेंगे उसके बाद लेंगे, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? प्रॉब्लम ये है कि हम अगर ढंग से पढ़ करके उसको बोलें स्ट्रांगली तो जितना ये मैनुअल और एक्सीडेंट परफॉर्मर दिया हुआ है इसमें काम तो हो जाता है, लेकिन और अच्छा से काम तब होगा जब हम फ्री हाइट स्प्रिंग की भी लेंगे और उसके लिए भी परमिशन है पैरा 6 पैरा 7 जो 2018 सेफ्टी लेटर है, जिसमें ये एक्सीडेंट परफॉर्मर इज एन एनक्लोजर, पैरा 6 एंड 7 गिव्स फुल लिबर्टी टू द इंक्वायरी कमेटी टू टेक मोर एंड मोर और एडिशनल मेजरमेंट, आई मस्ट से दे हैव अ फ्री हैंड इन टेकिंग एनी एडिशनल मेजरमेंट विद रिगार्ड टू द डिटेलमेंट एंड द कोच और द वॉगन और द लोकोमोटिव वट एवर दे फील इज नेसेसरी। नाउ अगर डिफ्लेक्टेड स्प्रिंग हमारी खराब आ रही है, देर इज नो हार्म इन टेकिंग द फ्री हाइट ऑफ द स्प्रिंग्स टू एनालाइज द स्पेसिफिक डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग्स। तो ये भी अगर मैंने ये पैरा जो आपको 50 वाला है कॉलम का, कॉलम 50 जो है इसमें लिखा है डिफ्लेक्टेड हाइट ऑफ कॉइल स्प्रिंग आफ्टर री रेलिंग ऑन लेवल अनकंटेंट ट्रैक फॉर कैसनब, का मतलब क्या कहीं लिखा है क्या कि इसको अनलोड करके लो या लोड में नहीं लेना है? नो, ये हम अपने से ही क्योंकि सी एन डब्ल्यू बोल देता हम मान लेते हैं। सो
लास्ट में हमें क्या करना होता है, जब वागन एम्प्टी हो गई तो फिर इसकी बाकी की जो ट्रॉली रिलेटेड मेजरमेंट्स हैं, व्हील एंड एक्सल रिलेटेड मेजरमेंट्स हैं, स्प्रिंग की डिफ्लेक्टेड हाइट है, वो हमको लेनी है। सो पहला सर्वप्रथम काम, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेक ऑन अ वॉगन विच है डिरेल्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोडेड कंडीशन टेक द बफर हाइट। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डिरेलमेंट के बाद उसकी बफर हाइट लीजिए, उसके बाद पैड्स देखिए और स्प्रिंग्स देखिए, उसकी अदर मेजरमेंट्स लीजिए। ऐसा हो नहीं सकता कि जो गाड़ी गिरी है उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, ये मेरा वादा है। दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड दिस इज द ओनली एंड ओनली आइटम फ्रॉम विच आई गो स्टेप वाइज, फ्रॉम बफर हाइट, सस्पेंशन सिस्टम, ईएम पैड टू व्हील्स, स्प्रिंग्स एंड अदर रिलेटेड। और मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, आज मैंने आपको इस साल के अंत में दे दिया है। सो आने वाला साल आपके लिए एक्सीडेंट फ्री हो एंड नो एक्सीडेंट ऑन इंजीनियरिंग अकाउंट हो, इस शुभकामनाओं के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। होप आपको पसंद आएगी। वेल फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि मैं आपको स्प्रिंग की डिटेल्स भी दूंगा, सो दिस इज द ड्राइंग ऑफ द कैसनब एचएस बोगी। सो इसकी स्प्रिंग जो है, ये देखिए, इसकी 260 फ्री हाइट है और वर्किंग हाइट इज 211, सबकी 211 है। तो ये इन कॉम्बिनेशन जब काम करते हैं ना, तो इसकी हाइट जो है 211 होती है एट टेयर वेट। और बाकी जो इसकी मतलब ये ग्रुपिंग वगैरह है, जो भी इसमें दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, कलर कोडिंग वगैरह सारी इसकी दी हुई है। तो हमें तो 267 के भी, 267 की हाइट के भी स्प्रिंग मिले, 269 के मिले, पता नहीं भगवान जाने कहाँ से आते हैं। सो यू कैन हैव दिस ड्राइंग्स विद यू। इसीलिए वेरी स्पेसिफिकली मैं मेंशन करता हूँ कि ये बोगी की टाइप जरूर आप रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली इसका नेक्स्ट जो है वो मैं आपको ये स्प्रिंग दिखा रहा हूँ। दिस इज कैसनब 22 R 22 M NLB। बाकी तरह की जो बोगियाँ हैं उनके लिए ये स्प्रिंग है और इसकी जो वर्किंग हाइट है ये 217 की है। ये भी 217, ये भी 200। ये क्या होता है, ये इसके अंदर ये स्प्रिंग जाता है, ये अकेला रहता है, ये स्नबर होता है, ये मतलब डैम्पिंग के लिए होता है। सो इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है, इट इज़ 294। इसकी भी अलग होती है। सो फॉर अदर देन HS ये मैंने आपको ड्राइंग दे दी है। सो आपको अभी कॉन्फिडेंस हो गया है कि टेयर वेट में 217, 18, 19, 20 से अगर ज़्यादा आ रही है हाइट, तो यू कैन टेक इट गारंटेड सस्पेंशन सिस्टम की प्रॉपर ग्रुपिंग नहीं हुई है। वेल फ्रेंड्स, ये था जो मैं आपको बताना चाहता था कि हाउ डू आई पर्सनली अप्रोच व्हेन आई गो टू एक्सीडेंट साइट। और बड़े ही साफ और सहज तरीके से हम कैसे किसी निष्पक्ष पे पहुंचते हैं, हाउ डू वी गेट ऑन टू द कॉज ऑफ ड्रिलमेंट और नियर द कॉज ऑफ ड्रिलमेंट। सो ऑलवेज रिमेंबर, जैसा कि मैंने इस पूरी वीडियो में एक ही चीज़ बताई है, द बफर हाइट एंड द डिफ्लेक्टेड स्प्रिंग हाइट और द बफर हाइट इन लोडेड कंडीशन और इन एम्प्टी कंडीशन एट टेयर वेट गिव्स यू द पल्स ऑफ द वॉगन। डॉक्टर के पास जाते हैं पहले स्टेथोस्कोप लगा के हमारे सांसों की रफ्तार या ध्वनि को सुनते हैं ना, तो हम भी एक्सीडेंट साइट पे जैसे रीरेल होती है सीधा बोल देते हैं भाई इसकी पहले बफर हाइट ले लो और एक राउंड चारों तरफ वॉगन के मारिए। सर्टनली एंड सर्टनली यू विल गेट समथिंग, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। मेरे को कहा गया था कि ऐसी एक वीडियो बनाओ जिसमें ऐसे ऐसी साइट पे जाएं तो उन्हें क्या करना है, तो मैंने उसी हिसाब से इसको मतलब जो मैंने किया है वही मैंने बताया है, जो मैं उस एक्सीडेंट साइट पे जाकर के मैंने किया था। एंड वेल फ्रेंड्स, दिस इज योर डिरेलमेंट गाइड, आई एम फ्लैशिंग माई नंबर्स, एनी बॉडी वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट दे कैन कॉन्टैक्ट मी।
So absolutely, it is my pleasure if somebody asks me regarding any sort of technical help. I am always there to help you out with the only and only mission, no accident on engineering account out of ignorance. Thank you once again. And I would like to request, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स दें, सो दैट आई कैन बी मोर यू नो प्रैक्टिकल इन माय अप्रोच, और मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा शेयर करूँ. थैंक यू वंस अगेन. प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक. थैंक यू.